हाय डियर स्टूडेंट्स, अभी आज मैं अकाउंट्स का लेक्चर ले रहा हूँ, क्लास 12th का, HSC का, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या पढ़ा रहा हूँ आज? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्वेश्चन भी है मेरे पास, सब रीड कराता हूँ। तो कॉलम तुमको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं अपन, चलेगा। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है, और जो टैली होता है, टैली होगा तो फिर बहुत मजा आता है, राइट? तो एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एडमिशन आ जाएगा ना तुमको, फिर रिटायरमेंट भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन रिलेबल सीरीज में है, तो आधा क्वेश्चन यहाँ है और आधा क्वेश्चन पीछे है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट टिक मार्क करा देता, राइट? और धीरे धीरे मेरे पास बने रहो, मोबाइल को रोटेट करो ताकि अच्छे से ध्यान दे, एकदम रेडी रहना, एकदम अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ 20 मिनट में सब ट्राई करता अच्छे से, ठीक है? राधिका, रुतिका और पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब दोनों पार्टनर है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है 3:1 में बांट रहे हैं, मतलब एक रेशियो दिया है तो इसको बांटना पड़ेगा। उनकी बैलेंस शीट दिए है, तो लाइबिलिटीज है और एसेट्स है। तो लाइबिलिटीज में कैपिटल, राधिका और रुतिका, मतलब दो पार्टनर लोग हैं, कौन है दो पार्टनर, राधिका है रुतिका है। जनरल रिजर्व मतलब जमा किया पैसा, जमा पूंजी बोलते हैं उसको, जो ओल्ड पार्टनर का हिसाब रहता है उन लोगों को ही मिलेगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दो लाइबिलिटी। एसेट्स दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक। बैंक मतलब कैश, तो हमेशा ना कैश रहेगा या बैंक रहेगा उसको ना हमेशा ब्रैकेट में लिखने का, ठीक है? किस में लिखने का? ब्रैकेट में, एसेट्स में। रेड लाइन देखो क्या दिया है इधर, कौन एंट्री मार रहा है? राधिका, रुतिका, दे आर ओल्ड पार्टनर्स, और एंट्री कौन मार रहा है? रसिका। रसिका इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब रसिका आ रही है। तो जब नया पार्टनर एंट्री मारता है तो उसको फ्री में थोड़ी हम लोग पार्टनर बनाएंगे, आएगा ऐसे पार्टनर बनेगा। इन दोनों कब से बिजनेस स्टार्ट किया? तो फिर जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसको बोलेंगे भाई थोड़ा रोकड़ा जमा कर अपना, तो वो 20,000 लेके आ रही है, राइट? और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/5। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं 1/5 की, कब जरूरत आएगी? एक सम आएगा तो जब अपन करेंगे, फिलहाल इसको इग्नोर करना है। तो रस्सी का एंट्री मार रही है तो उससे कितना रुपया जमा किया हमने? 20,000 रोकड़ा लेके आ रही है। और गुडविल, जो फर्म का इतना टाइम से नाम चल रहा है, रेपुटेशन है, जो पार्टनर है अपने गुडविल का भी अमाउंट चार्ज करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट किससे कितना रेस कर रहे थे? 10,000। तो 10,000 लेकिन हम लोग अपने खाते में डाल देंगे, राइट? तो गुडविल 10,000। मतलब फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट एकदम एडमिशन ऑफ पार्टनर का है, तो फर्स्ट और सेकंड थोड़ा न्यू है, तो अपन फर्स्ट और सेकंड लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले बच्चे वाला एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन निकालने का, RDD फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन बोला है, तो 5% RDD, तो फर्नीचर पर टिक मार्क किया, फिर RDD बोले तो डेटर्स पर टिक मार्क किया, फिर पेज टर्न हो रहा, ठीक है? फिर फोर्थ एडजस्टमेंट बोला है अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 15,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट है। और क्रेडिटर्स पे बोला है आउट ऑफ दी सन्ड्री क्रेडिटर्स 500 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है। तो सब एडजस्टमेंट अच्छे से समझा दो, राइट? तो पहले पोस्टिंग करता हूँ टेबल की, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट क्या करता हूँ मैं, स्टार्ट करता हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है? तो फिर क्या बताने का था? सबसे पहले ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है और तुम्हारा बैलेंस शीट है, ठीक है? अब रूल सुनो, टेबल को एक बार लिखने का है, एडजस्टमेंट को दो बार। टेबल कितना बार लिखने का है? एक बार पोस्ट करने का, और एडजस्टमेंट दो बार। पहले पोस्टिंग एसेट से करने का, ठीक है? मैं बुक इस तरफ रखता हूँ क्योंकि दिख रहा है, राइट? तो पहला एसेट से लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? एसेट्स होता है, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा हैंडराइटिंग संभाल लेना, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना यार, इस पर क्या है? एडजस्टमेंट है, ठीक है? किधर लिखा? इनर कॉलम में। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। डेटर्स, डेटर्स भी क्या है? एसेट्स होता है। डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर से उधारी का पैसा वसूल करना है, वो भी एसेट्स है, इनर कॉलम में लिखा। बिल रिसीवेबल थोड़ा हैंडराइटिंग संभाल लेना, ठीक है? बिल रिसीवेबल भी एसेट्स है, पर इस पर एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो बाहर लिख दो, अंदर नहीं लिखने का, बाहर ही बटा दो उसको, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी स्टॉक क्या रहता है? एसेट रहता है, अनसोल्ड गुड्स स्टॉक ना, 13,000 अंदर क्यों लिखा? क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैश या बैंक, इसको ब्रैकेट में लिखने का, 5,000। मतलब कैश और बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, गुडविल अकाउंट टीचर ओपन कर देना, अपन डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 मार्क लिए इतना पास है ना यार, तो शॉर्टकट तरीके से तुमको बता दो कि कैसे कैश बैंक को इधर ही अपन एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या किया मालूम है क्या? एसेट्स की एंट्री पोस्ट कर दी है, ठीक है? अब जैसे एसेट्स की एंट्री तुमने पोस्ट किया ना, वैसे भी लाइबिलिटीज की करनी है, तो बुक को इस तरह रख देता हूँ, ठीक है? मैं एक एक रीड करता हूँ। पहले कैपिटल दिया, राइट? तो पहले एक बात याद कर लो, कैपिटल अकाउंट में ना पहले दुल्हन के जैसा सजा देने का, उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का अमाउंट आएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिख के रखने का, शगुन है लिखने का। जनरल रिजर्व मतलब जमा किया पैसा, रिजर्व फंड उनका पैसा, उनका जो जमा किया पैसा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो जमा करके रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो पिछले साल का बैलेंस है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब जिसका नाम रहता है ना टेबल में उसको ही बांटने का, ठीक है?
तो अभी क्या दिया मालूम है क्या? सबसे पहले इधर देखो, दिया है कैपिटल अकाउंट, राइट, दिख रहा है ना आपको कैपिटल अकाउंट, राधिका रुतिका। तो राधिका का कितना बैलेंस है 35 और रुतिका का कितना बैलेंस है 15,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राधिका रुतिका, एंट्री कौन मारी है रस्सी का, तो थर्ड कॉलम किधर आएगा रस्सी का। तो राधिका का कितना बैलेंस है 35,000, 35 और रसिका का कितना हज़ार है 15,000 है, लिख दिया ऐसा। फिर देखो जनरल रिजर्व दिए ना 8,000, तो जनरल रिजर्व आया, रिजर्व फंड आया, प्रॉफिट एंड लॉस आया, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल रिजर्व, राइट, जनरल रिजर्व कितना दिया है 8,000। तो जनरल रिजर्व आया, रिजर्व फंड आया, प्रॉफिट एंड लॉस आया, ये दोनों पार्टनर को बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओके। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, देखो इधर ओल्ड रेशियो दिया ना 3:1, तो 3:1 इधर मैंने लिख दिया, राइट। तो कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का मालूम है क्या, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 8,000, तो 8,000 को भी अपने को रेशियो में बांटने को, तो इधर लिखा 8,000, रेशियो कितना है 3:1, 3 और 1, तो पहले दोनों को प्लस करो, 3 + 1 = 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2,000 आएगा, रेशियो कितना है 3:1। अभी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6,000 आएगा, और 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2,000। तो 8,000 को क्या किया, डिवाइड किया 3:1 में, तो 6,000 आया और 2,000 आया, एक ही बार लिखने का। रिजर्व फंड रहता तो भी बांटते, प्रॉफिट लॉस रहता तो भी बांटते, नहीं दिया है तो लाइन मार के हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, कैपिटल को लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व को मैंने रेशियो में बांटा 3:1 में, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना, तो उसको लाइबिलिटीज में लिख दिया, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है 20,500, अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी, अब इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट किधर डाल देंगे, डायरेक्ट बाहर डाल देंगे, 4,500 बाहर डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी टेबल का पोस्टिंग किया, एसेट्स को लिखा कैश को ब्रैकेट में लिखने का, फिर कैपिटल अकाउंट को कैसे लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई भी रिजर्व रहेगा उसको बांट दिया, बाद में लाइब्रेटीज को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये कॉलम बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सिर्फ टेबल का पोस्टिंग किया है, मतलब 10 में कम से कम 3 मार्क्स तो दे देगी, कॉलम बना के पोस्टिंग करके 3-4 मार्क्स, जिसको कुछ नहीं आता उसको कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा, खाली पेपर छोड़ेंगे तो ऐसा खाली कॉलम तुम लोग बना के एग्जाम में तो अंडा ही मिलेगा ना यार, पर कुछ लिख के आएंगे सजा के तो 3-4 मार्क्स तो मिलेगा, क्वेश्चन 10 मार्क का है, धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे तो मार्क्स मिलते जाएगा। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, किस बच्चों को आता है, किसी बच्चों को एडजस्टमेंट नहीं आता है, तो जो एडमिशन का फर्स्ट एडजस्टमेंट है ना और सेकेंड मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, रशिया का कैश ला रही है, रोकड़ा ला रही है 20,000, और सेकंड उससे गुडविल ले रही है कितना 10,000। तो फर्स्ट और सेकंड रुक जाओ, जो एडमिशन का थोड़ा रुक के सॉल्व करता हूँ। जो पहले बेसिक एडजस्टमेंट है, जो फाइनल अकाउंट में पहले से आता है, तुम लोगों ने भी किया रहेगा ना, तो पहले फाइनल अकाउंट वाला करो। तो थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखो दिख रहा है ना, हाँ चलो, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फुल स्टॉप है तो रुकने का अकाउंट्स में एंड फुल स्टॉप, फर्नीचर पे कितना टका 10%, डेप्रिशिएशन मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू, क्या हो रहा है कम, तो डेप्रिशिएशन मतलब माइनस करने का, हमेशा डेप्रिसिएशन क्या करेंगे माइनस, फर्नीचर बोला है तो फर्नीचर दे लिखा माइनस डेप्रिसिएशन, ब्लैक पेन ले लिया, थोड़ा चेंज कर दिया ताकि अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो 15,000 का 10% 1500 माइनस करेंगे 13,500, ठीक है। एडजस्टमेंट को ना दो बार लिखने का, हमेशा भेजे में डाल के रखो, कितने बार लिखने का, दो बार। तो अभी हमने पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा, फर्नीचर को एसेट्स में माइनस किया, तो एसेट्स में माइनस किया 15,000 से एसेट्स कितना हो गया 13,000, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी 15 से 13, तो प्रॉपर्टी बढ़ रही है कम हो रही है ना यार, तो प्रॉपर्टी कम होने का मतलब होता है लॉस होना, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आएगा, एसेट्स में जो भी माइनस किया दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, एसेट में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो क्या माइनस किया था, फर्नीचर पे कम हुआ ना, तो इधर लिखेंगे फर्नीचर कितना कम हुआ 1500 खाता, शाबाश। तभी हम लोग ने क्या किया, थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व किया, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अभी नेक्स्ट क्या बोला, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब चूना लगा दिया, पैसा लेके भाग गया है ना, लटकी दे दिया, मतलब पैसा देने वाला नहीं है, मतलब भूल जाओ पिक्चर दिखाते हैं तुमको। तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स आर क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर, जो कस्टमर था उसमें से 5% तुम्हारा पैसा नहीं आने वाला है। तो किस पर बैड डेट्स है, कोई ऑलरेडी डेटर्स पे, मतलब 5% भूल जाओ तुमको पैसा मिलने वाला नहीं है, तो इधर माइनस करेंगे, चूना लगा था मतलब लॉस हो गया ना यार, ऑलरेडी लिख दिया फुल फॉर्म, कॉपी कर देंगे स्पेलिंग 5%, तो 2000 का 10% 2000 होता है, पर 5 बोला ना तो 2 का आधा कितना हो गया 1000, 20 में से किया तो कितना है 19,000, ये एडजस्टमेंट है। तो अभी अपन ने क्या किया, एसेट्स में माइनस किया, पर एडजस्टमेंट को क्या करने का, दो बार इफेक्ट आता है, एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आएगा दो, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा, इधर लिखेंगे ट्यू न्यू आर डी डी, कितना
कितना लेके भागा, 1000 लेके भाग गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया थर्ड एडजस्टमेंट। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करके इधर आया और आरडीडी इधर माइनस करके वो भी इधर ही आ गया। ठीक है, तो पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ एडजस्टमेंट। ठीक है, रीड करता हूँ। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना, कीमत बढ़ जाना, भाव बढ़ गया ना। तो किसका भाव बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। डेप्रिशिएट मतलब कम हुआ ना, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, तो बढ़ गया तो प्लस करेंगे ना यार, वैल्यू बढ़ रही है तो इधर लिख देंगे एप्रिसिएशन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उधर स्पेलिंग दिया वो उठा के लिख देने का। कितना टका बढ़ गया, 20% बढ़ गया, राइट। 10% 2500, मतलब 10% 2500 रहेगा, 20% 2500 का डबल ना 5000, राइट। तुम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते नहीं आता, 25000 का 20% 2100, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, 25 का डबल 50, 5000 आ गया ना यार, 5000। वैल्यू डेप्रिसिएशन होएगा तो माइनस करने का, एप्रिसिएशन होएगा तो प्लस करने का। 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30000। पर एडजस्टमेंट को कितना इफेक्ट देने का, 2 इफेक्ट देने का। मैंने इसके पहले क्या बोला, माइनस किया तो लॉस होता है ना। अब इधर वैल्यू बढ़ रही है ना 25 से 30, तो एसेट्स बढ़ जाना मतलब फायदा हो जाएगा, तो फायदा इधर आता है क्रेडिट में, हमेशा फायदा किधर रहेगा, क्रेडिट में। एसेट्स में माइनस किया तो डेबिट में आएगा इफेक्ट, अगर एसेट में प्लस किया तो क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि लॉस होता तो इधर आता है, फायदा होगा तो इधर आता है क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, 5000। अभी नेक्स्ट बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15000 हो गई है। तो पहले चेक करेंगे कितना था, 13000 था, मतलब 13 से 15 हो गया। अब इसको चेक करो बार बार, ठीक है, सीरियल में कैमरा मारता है ना 3 बार, अरे 13 से 15, तो 2000 का डिफरेंस, 2000 बढ़ गया ना यार, तो 2000 बढ़ गया, तो 2000 क्या हो रहा है, तुम्हारा एप्रिसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, एप्रिसिएशन। अगर माइनस किया रहा तो इधर आता था ना डेबिट में, तो वैल्यू बढ़ गया, तो इसलिए क्रेडिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2000 वैल्यू बढ़ गई, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 15000। मान लो इफ ऐसा रहता, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10000, 13 से कितना हो गया, 10 हो गया, 13 था अब 10 हो गया, मतलब कम हो गया ना यार, तो 3000 क्या होता है, डेप्रिसिएशन। फिर 3000 माइनस करते हैं, फिर 3000 इस तरफ आता डेबिट में, अभी वैल्यू बढ़ गई इसके लिए इस तरफ आया। अभी नेक्स्ट क्या बोला, क्रेडिटर्स के ऊपर बोला है, तो क्रेडिटर्स 20500 अपन उनको पेमेंट करने का, राइट। क्रेडिटर मतलब सप्लायर से अपन माल खरीदते हैं, उसको पेमेंट करने का 20500। इधर क्या बोला है, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स 500 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, नॉट मतलब नहीं, क्लेम मतलब मांगना, तो वो 500 रुपया मांगा ही नहीं, मतलब 500 देना ही नहीं अपने को, 500 देना ही नहीं, 20500 देने का था, 500 देना ही नहीं, नॉट क्लेम, उसने क्लेम किया नहीं, तो नॉट क्लेम मतलब नहीं देना, तो माइनस कर देना यार अनक्लेम, जब पैसा देना ही नहीं तो अपना कर्जा बच गया ना, अनक्लेम क्रेडिटर्स 500, 20500 में से 500 नहीं देना, मतलब 20000 देना है। तो ये क्या है, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लाइबिलिटीज में माइनस किया ना, तो कर्जा कम होने का मतलब क्या होता है, फायदा हो गया ना, इधर ही आएगा ना यार, कर्जा कम होगा तो इधर ही आएगा, इधर लिख दिया तुमने क्रेडिटर्स, क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स 500, 500 नहीं देना है। चलो फिर से एडजस्टमेंट रीड करता हूँ, याला आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स 500 रुपीज़ इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब 500 रुपया तुमको देना नहीं है, तो नहीं देना तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कम किया इधर, और कर्जा कम होना मतलब फायदा हो जाना, इसलिए इफेक्ट इधर आएगा, क्रेडिट में आ गया ना, सिंपल। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी कितना एडजस्टमेंट सॉल्व किया, फर्नीचर वाला किया, बैड डेट्स वाला किया, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो गई, क्रेडिटर्स वाला किया। अभी जो मेन एडजस्टमेंट है जिसके लिए तुम लोग वीडियो देख रहे हो, वो क्या दिया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट। तो क्या बोला इधर मालूम है क्या, ये देखो इधर रखा हूँ, रशिका शुड ब्रिंग 20000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब जो रशिका आ रही है वो बिजनेस में उसको ऐसे एवे नहीं रखेंगे, उसको बोलेंगे भाई पहले रोकड़ा लेके आ, कुछ अपना पैसा जमा कर दो, कितना कैपिटल आ रही है, 20000। तो इधर लिखने का कैपिटल होगा मैं बाय कैश, और थर्ड कॉलम में डॉट मारा बाय कैश, तो कौन है, रशिका, कितना लाई, 20000, तो बाय कैश लिखे, रशिका के कॉलम में 20000 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 20000, ठीक है। और एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का तुमको मालूम है क्या, 2 बार लिखने का, एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का है, 2 बार, रशिका शुड ब्रिंग 20000 एज कैपिटल, तो रशिका के कॉलम में लिख दिया क्रेडिट में, ये देखो कैश बैंक है ना, पहले से ऑलरेडी 5000 था, तो जब नया पार्टनर पैसा 20000 ला रहा है तो पैसा बढ़ गया ना अपने पास यार, 20000 आ गया ना यार, तो ऐड कर देंगे। तो कैश को क्या किया, जो रोकड़ा ला रही है वो क्या करने का, थर्ड कॉलम में लिख के प्लस कर देने का, थर्ड कॉलम में लिख के प्लस कर देने का, तो कैश को क्या कर देने का, थर्ड कॉलम में लिख के प्लस कर देने का, ठीक है, सिंपल।
आप उससे गुडविल भी ले रहे, कितना रुपया ले रहे गुडविल? 10,000। तो ऐसा गुडविल लिखेंगे जो गुडविल का शेयर है इन दोनों का मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो गुडविल का अमाउंट कितना है? 10,000। इधर लिखता हूँ गुडविल, ठीक है। गुडविल कितना लाया? 10,000। इसको भी रेशियो में बांटेंगे, क्या रेशियो? 3:1। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है ना, तो जो ओल्ड रेशियो वही तुम्हारा हीरो है, उससे ही सब काटने का पिटने का, ठीक है। अभी कुछ दिया नहीं है, राइट? इधर दिया ना, पढ़ो। गुडविल रेस्ट टू बी इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म 10,000। कितना? 10,000। तो गुडविल लिखा 10,000, राइट। और रेशियो कितना? 3:1। अभी इसके पहले सॉल्व किया था ना, 3:1। तो 3 और 1 कितना हो गया? इसको ऐड करो, 3 + 1 = 4। अब इसको तुम लोग डिवाइड करें, 4 का था 2, 10,000 का था 5,000, 5,000 का था 2,500, मतलब 2,500 आया 3:1। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, 1 से करेगा तो 2,500 रहेगा। तो गुडविल का उन लोग ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको 7.5 मिल रहा है, इसको 2,500 मिल रहा है, राइट। अब इधर क्या दिया रीड करने का तुमको? रेस बोला है। क्या बोला है? रेस मतलब अपनों को शो करना है बैलेंस शीट में। इफ रिटेन बोला रहेगा ना, रिटेन, देखो ये वाला स्पेलिंग RETAINED, रिटेन। तो हम लोग कैश में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। रिटेन बोला रहेगा तो कैश में क्या करेंगे? प्लस। बट इधर रिटेन नहीं बोला, रेस बोला है, तो इधर अलग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट। कितना लाया गुडविल वाले में? भाई ने 10, सॉरी बहन ने 10 लाया, तो इधर लिखेंगे 10,000। तो अभी क्या सीखा मालूम है क्या? जो नया पार्टनर आ रहा है कैश ला रहा है, तो थर्ड कॉलम में लिखे कैश में प्लस किया, फिर गुडविल इधर बांटा और प्लस नहीं किया, अलग से लिखा, क्योंकि रेस बोला था। क्या बोला था? रेस बोला था, गुडविल इज टू बी रेस, ठीक है। इफ रिटर्न बोला रहता तो यहाँ क्या करते थे हम लोग? प्लस करते थे। तो ये तुम्हारा हो गया पोस्टिंग। मतलब जो बच्चा इधर तक भी सॉल्व करेगा ना, उसको 10 में से कितना मार्क्स मिल जाएगा मालूम है क्या? 8 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। कितना? 8 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि सब पोस्टिंग वोस्टिंग राइट है ना। पर कुछ बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको जिसमें दस जिसको 10 में से 10 मार्क्स चाहिए, तो फिर इसको टैली करना पड़ेगा, राइट। टैलिंग मतलब टोटलिंग करना पड़ेगा। तो टोटलिंग में कैसा? डेबिट और क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो आ जाओ 1.5 और 1 2,500। अब इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 7.5। तो ये क्रेडिट वाला 7.5 है, 2,500 2,500। कभी भी याद रखो, भेजे में डाल दो, क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो फ़ायदा होता है, क्रेडिट ज़्यादा रहेगा तो फ़ायदा। तो 7.5 इधर लिखा, 7.5 इधर लिखा, इधर पेंसिल से दिखाने का, 7.5 में से 2,500 गया तो 5,000 आएगा। कितना हज़ार आएगा? 5,000। ये 5,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना, तो 5,000 क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा? जो ओल्ड पार्टनर था टेबल में ना, उन लोगों, राधिका रुतिका। तो क्या मिला उनको? प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट मिला? 3:1 में बांटने हैं, मतलब ये 5,000 को भी रेशियो में बांटने का, 3:1, मतलब इधर बांट दो साइड में, ठीक है। तो 5,000 है 3:1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो इसको 4 का था 2, 5 का था 2,500, 2,500 का था 1,250, 1,250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,750, 1,250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,250। इस तरह 5,000 क्या हो गया? प्रॉफिट मिला। लोगों फॉर्म का प्रॉफिट हुआ 3:1 में बांटा, तो ये प्रॉफिट है, राइट। अब इसका दूसरा पैक किधर आएगा? डेबिट से क्रेडिट आएगा। प्रॉफिट हुआ ना, तो डेबिट से किधर आएगा? क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखा ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म में लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है, वो भी नाम लिखा तो भी चलेगा। तो ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? इसको मिला 3,750, इसको मिला 1,250। इसको टेंगा मिलेगा, क्योंकि अभी है ना पार्टनर ये। अब इसका बैलेंस करेंगे आप लोग, इसका जो भी बैलेंस आएगा ये लाइब्रेरीज में एकदम टॉप में आ जाएगा। राधिका रुतिका रसिका, इसका बैलेंस इधर रहेगा, फिर टैली बाहर डालना पड़ेगा ना। तो बैलेंस के लिए अपने को भी करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। इधर का बैलेंस 20 है, इधर भी लिखा 20। ऊपर कुछ है क्या माइनस करने के लिए? नहीं है, तो इधर डैश आ जाएगा। अगर इधर 5 रहता तो 20 में से 5 जाता तो 15,000 आता, तो 20,000 मतलब एक का मिल गया 20, राइट। अभी रुतिका का कर दो, 15 2 17 17 2 19 19 और 1 20, 20,750 लिख दे, 20,750, 20,750। इधर भी कितना बैलेंस आया? 20,750, ठीक है। इधर आया 20 लिख दे, ठीक है। इधर डैश नहीं आएगा क्योंकि सेम लिखने का 20। इधर आया 20,750। अभी ये बैलेंस सॉल्व करेंगे, 35 और 6 41 41 और 7 48 48 और 3 51, 52 250 52 250, मान लो इतना आ गया 52 250 52 250। ये जो बैलेंस आया है ना, ये जो बैलेंस, इसको इधर लिख देने का, किधर? लाइब्रेरीज में 52 250। अब इसको ऐड कर दूंगा, 53 53 और 20
63, 73, 83, 93, ये हो गया 93,000। अब इन दोनों को क्या कर देंगे आप लोग, टैली कर देंगे। अरे कैश को भी बाहर डाल दो ना, 5 तो पहले से था, 20,000 रस्सी का लेके आई थी ना, ये 25,000 बाहर, और गुडविल को अलग से लेगा, तो ये ऐड कर देंगे राइट। तो 93, 103, 113, 113 और 4, 117, 500, ये आया 1,17,500। इसको भी जोड़ेंगे आ रहा है 1,117,500। जब ये टैली हो जाएगा फिर एकदम सीटी बजाना है क्लास में, एकदम जोश जल्लोश पार्टी। तो ये तुम्हारा था एडमिशन का फर्स्ट सम, में तुम्हारे लिए सॉल्व किया राइट। ये क्वेश्चन था राधिका रुतिका, ये सम कभी आया था मालूम है एग्जाम में, बोर्ड का सम, बहुत पुराना समय 1995 में, मतलब तुम लोग पैदा भी नहीं होते जब भी का समय, ठीक है। तो वो एक सम बोर्ड का सम मैंने सॉल्व करा दिया, और जैसे बोला था 20 मिनट में सम मैंने एडमिशन का सम सॉल्व करा दिया। तो वेट करना, नेक्स्ट और एक सम मैं एडमिशन का अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।